अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मिमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा, अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शील टाइगर के हद में दीपेश लॉज में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लॉज में महिला की हत्या कर आरोपी ने पुलिस के स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर दिया है। पूरी वारदात कल रात के समय हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम मोहम्मद अली उर्फ ईशान, उम्र 35 साल है, और महिला का नाम ब्रिजिश जहरा, उम्र 32 साल है, और दोनों के बीच में प्रेम संबंध था और दोनों मुमरा के अचानक नगर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों कल शाम 5 बजे के आसपास में दहिसर रोड स्थित दीपेश लॉज में गए थे। वहीं पर दोनों के बीच में अनबन हुई। ब्रिजिश जहरा ने प्रेम संबंध से इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर मोहम्मद अली उर्फ ईशान ने ब्रिजिश जहरा की हत्या कर दी और खुद रात के समय पुलिस को सरेंडर कर दिया और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची शील डायघर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शील डायघर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 103/1 के तहत गुनाह दाखिल किया है।